पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी का गांव मातनहेल में यहां पर पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहां पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेतागण, मेरे गांव मातनहेल के मेरे काका ताऊ, मेरी काकी ताई, मेरी बुआ, मेरे भाई, मेरे भतीजे और यहां पर उपस्थित सभी सज्जनों, हमारी पार्टी में आज शामिल हुई हमारी बहन पूर्व मंत्री कांता जी, डॉक्टर राकेश और बहुत से उनके साथी आज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद देकर मुझे जो है कांग्रेस पार्टी का पांचवी बार कांग्रेस पार्टी का झज्जर से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं दिल की गहराइयों से हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और एक आश्वासन देना चाहती हूं कि अपनी बहन पर उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है, इसी कामना के साथ कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी को पूरी तरह से मजबूत करने का काम करेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सांसद भाई दीपेंद्र हुडा जी और स्वयं मिलकर पूरे क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। केवल आधी मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक ऐसी सरकार इस समय है जिससे हमारा किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है, माताएं बहनें दुखी हैं, सारी की सारी दुनिया इस सरकार से दुखी है। एक एक केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा है कि बहन बेटियों को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेवारी है, खिलाड़ियों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है, व्यापारियों की, किसानों की, दलितों की, गरीबों की अगर कोई रक्षा कर सकता है और कांग्रेस की अच्छी सरकार दे सकता है तो हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी दे सकते हैं। मैं आज उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि विधानसभा के चुनावों के दौरान जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है यहां पर वो आए हैं। मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद और अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हरियाणा में एक हवा चल रही है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आभार। इलाके से सभी आए हैं, मैं उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए एक ही आश्वासन देना चाहूंगी, आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं, यहां से पूरी तरह से एक प्रयास किया है कि विपक्ष में भी आपकी आवाज को मजबूती से उठाने की कोशिश की है और सांसद भाई दीपेंद्र हुडा जी के साथ मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी के आशीर्वाद से अपने इलाके को और झज्जर विधानसभा क्षेत्र को एक नंबर का विधानसभा बनाएंगे। आप सबने जो सहयोग समर्थन और आशीर्वाद दिया है बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूं कि वो अपनी इस बहन को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।